कसरावत के माता पंडालों में गरबा आयोजन के दौरान महिला सुरक्षा को लेकर महिला पुलिस द्वारा बाइक पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई। इस दौरान एसडीओपी मनोहर सिंह गौली और थाना प्रभारी मनसाराम रोमड़े भी मौजूद रहे। यह कदम महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के लिए उठाया गया है, जो कि आर्थिक एवं मानव विकास में महत्वपूर्ण है। थाना प्रभारी मनसाराम रोमड़े ने साइबर क्राइम को लेकर भी लोगों को जागरूक किया एवं समझाया, वहीं नशे से दूर रहने की सलाह दी। वहीं बाइक पेट्रोलिंग में पुलिस प्रशासन के जवान भी मौजूद रहे। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। भोपाल, बॉम्बे कहीं भी पढ़ रहा है या जॉब कर रहा है तो उसको लेकर के वो बताते हैं कि आपके लड़के ने ये क्राइम कर दिया है और आपका लड़का हमारे पास में है, आप इतना पैसा डालो वरना इस पे हम बड़ी कार्रवाई करेंगे। हम CID से बोल रहे हैं, CBI से बोल रहे हैं, इस तरह से आपको इतना डरा देते हैं कि बच्चे का पेरेंट्स जो वो बोलता है वो कर देते हैं। मैं अपने घर का उदाहरण दूं, मेरे भांजे के लिए भी कॉल आया था हमारे जीजा को जो दिल्ली में तैयारी कर रहा है उसको लेकर के, तो वो डर गए थे। ऐसे कॉल्स अगर आते हैं तो सबसे पहले आप अपने बच्चे के कॉन्टेक्ट नंबर पे फोन पर बात करके ये क्लियर कर लें। क्या कुछ और संदेश दिया गया है? अभी महिला अपराधों की रोकथाम और महिला सुरक्षा को लेकर के शासन स्तर पे जो निर्देश हुए हैं उन्हीं इन निर्देशों के पालन में और हमारे वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खरगोन, DIG साहब और IG साहब के निर्देश अनुसार अभी हमारे द्वारा जो नवरात्रि में दुर्गा पांडाल लगे हैं जहां पर रात्रि में गरबे होते हैं और काफ़ी संख्या में महिलाएं बच्चियां अपने घरों से निकल कर गरबा पांडाल तक जाते हैं और वहां पर अपना प्रोग्राम देते हैं, इनकी सुरक्षा को लेकर के बहुत ही स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए हैं और उसमें खास बात यह है कि महिला अधिकारी कि एक पेट्रोलिंग पार्टी हर थाना स्तर पर बनाई गई है जो कि महिला पुलिस अधिकारी अपनी 2-व्हीलर से पेट्रोलिंग करेगी लगातार, जो गरबा पांडाल जहां भीड़ भाड़ ज़्यादा है वहां पे आने जाने वाले रास्ते जहां पर महिलाओं का आना जाने का रास्ता है उन रास्तों में उस एरिया में लगातार पेट्रोलिंग करेगी। और ये गरबा पांडालों के साथ साथ स्कूल कॉलेज जो लगते उनके समय में भी लगने के टाइम पे और छुट्टी के टाइम पर भी महिला अधिकारी उस स्कूल कॉलेज के आसपास और बच्चियों के आने जाने वाले रास्तों पे लगातार पेट्रोलिंग करने के निर्देश मिले, जिसके तहत हमने ये पेट्रोलिंग पार्टियां चालू की है। महिला अधिकारी के साथ साथ मैं खुद भी 3-4 बाइक के साथ में पूरे स्टाफ के साथ में हम भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं और इसमें अभी वर्तमान में हमारे विभाग की तरफ से विभागीय महिला सुरक्षा को लेकर के एक अभिमन्यु ऑपरेशन चल रहा है। अभिमन्यु ऑपरेशन के तहत भी जागरूकता के कार्यक्रम हमारे द्वारा कराए जा रहे हैं जिसमें महिला अधिकारी पुरुष अधिकारी हमारे स्कूल कॉलेजों में जाकर के बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। और चूंकि दुर्गा उत्सव चल रहा है जहां अधिक संख्या में आम जनता रहती है तो हम उस मंच का भी उपयोग करते हुए जागरूकता के तहत कार्यक्रम कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी कुछ प्रोग्राम प्रस्तावित है जो हम प्लान कर रहे हैं। साथ ही साथ आजकल नशीले पदार्थों का सेवन अपने बच्चों के द्वारा भी इस्तेमाल किया जा रहा है, काफ़ी लोगों के बच्चे संगति में नशे की लत में पड़ जाते हैं तो एक नशा मुक्ति अभियान भी चलाया जा रहा है जिसके तहत नशीले पदार्थों से दूर रहने, उनका सेवन न करने, उनसे होने वाले नुकसानों के संबंध में भी जागरूकता अभियान के तहत हम कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें जिस मंच पर हम जाते हैं उसमें आजकल जो नए साइबर क्राइम हो रहे हैं साइबर क्राइम के संबंध में भी मेरे द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किस तरह से साइबर फ्रॉड से बचा जाए। साथ ही साथ महिला संबंधी अपराधों में जो पिछले 10 वर्ष से जिन व्यक्तियों पर जिन अपराधियों पर लैंगिक अपराध पंजीबद्ध हैं उनकी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश अनुसार
सभी थाना प्रभारियों को जो मिले हैं निर्देश, उसी के तहत हमारे थाने में जितने भी 10 साल के लैंगिक अपराधों में जो अपराधी गिरफ्तार हुए थे उसकी हमने लिस्ट आप बनाई है। उन सभी लिस्टेड लैंगिक अपराध के अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके बाउंड ओवर के आदेश मिले हैं, जिसके तहत हम उन पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई चल रही है और बाउंड ओवर की कार्रवाई भी हम करा रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे थाने के लिस्टेड बदमाश, जो निगरानी बदमाश और गुंडा लिस्ट में जो शामिल है, जो सक्रिय है, उन पर भी हम प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके उनको भी बाउंड ओवर करा रहे हैं, ताकि इन अपराधियों पर अंकुश लगे और अपराध करने से 10 बार सोचे, अपराध करने से पहले इसको 10 बार सोचे और हमारे शहर में, हमारे कस्बा में अपराधों में कमी आए और महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, ये माहौल तैयार करने का हम प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे द्वारा सीसीटीवी कैमरों का भी एक प्लान चल रहा है, जिसके तहत हम पूरे शहर में मुख्य चौराहों पे और मेन भीड़भाड़ वाले एरिया में भी हम सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्लान कर रहे हैं, जो आने वाले समय में जल्द ही हम ये भी काम करेंगे। सर, क्या लगता है कि पुलिस बल यहाँ पे, ऐसे बड़ा थाना है तो थाने में जवान कम है? पुलिस बल की कमी है एक्चुअल में, जिले में भी जिस स्तर पे क्राइम है और लोकल का है, तो वहाँ पर बल जितना है उतना दिया है, ये ऊपर स्तर का है। बाकी जितना बल हमारे थाने पर है उस बल के पूरे बल का हम उपयोग करते हुए हमारी तरफ से हम 100% देने का प्रयास कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।